नमस्कार, मैं पिंकी सहगल, आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज। आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान ने जब से पंजाब की सत्ता संभाली है तब से वो किसी ना किसी वजह से अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं और अब उन्हें एक बड़ा झटका लगा है और ये झटका एनजीटी ने दिया है। दरअसल भगवंत मान सरकार के लिए एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं और इसी के तहत एनजीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब सरकार पर 2,080 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी का कहना है कि पंजाब सरकार वेस्ट मैनेजमेंट मैकेनिज्म बनाने में नाकाम रही। एनजीटी ने कहा कि 2018 में कई आदेश पास होने के बावजूद पंजाब सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। इतना ही नहीं, एनजीटी ने अपने फैसले में कहा कि पंजाब 2014 से प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए वैधानिक समय सीमा का पालन करने में विफल रहा है। इसके साथ ही सीवेज प्रबंधन और जल प्रदूषण नियंत्रण डिवाइस लगाने में विफल रहा है। इतना ही नहीं, एनजीटी ने पंजाब सरकार को प्रदूषण फैलाने वालों से 2,080 करोड़ रुपए के जुर्माने को वसूलने के लिए कहा है। एनजीटी ने अपने आदेश में आगे कहा कि पर्यावरणीय मानदंडों का बड़े पैमाने पर पालन नहीं किया गया, इसके चलते मौत और बीमारियां और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, जबकि इसके लिए जवाबदेही भी तय नहीं की गई। नियमों का उल्लंघन और ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन एक आपराधिक अपराध है, फिर भी राज्य के अधिकारियों द्वारा व्यवहारिक रूप से बिना किसी जवाबदेही के बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया गया। ट्रिब्यूनल ने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन पर 2018 से कई आदेश पारित किए। एनजीटी ने 2020 में मॉडल सिटी के लिए निर्देश जारी किए। ट्रिब्यूनल ने 3 मॉडल शहरों, कस्बों और गांवों को 6 महीनों में और राज्यों को 1 साल में नियमों के अनुपालन करने की उम्मीद की थी। आपको बता दें कि एनजीटी द्वारा राज्यों को लक्ष्य दिया गया था कि मुख्य सचिवों के अंडर सीधे एनवायरमेंटल सेल्स की स्थापना होगी, साथ ही इनकी राज्य स्तर पर मुख्य सचिवों द्वारा और जिला स्तर पर जिला अधिकारियों द्वारा नियमित निगरानी की जाएगी। यहाँ तक कि 3 साल बाद ना ही इनका पालन किया गया और ना ही भविष्य में इनका पालन को लेकर कोई योजना बनाई गई। आपको ये भी बता दें कि एनजीटी की ये कार्रवाई कोई पहली बार नहीं है। इस मामले में एनजीटी ने कुछ टाइम पहले राजस्थान पर 3,000 करोड़ और महाराष्ट्र पर 12,000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इतना ही नहीं, इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार को भी इससे जूझना पड़ चुका है। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और इसके भुगतान के आदेश भी दिए थे। यूपी सरकार को प्रतापगढ़, रायबरेली और जौनपुर जिलों में तरल कचरे के अपर्याप्त प्रबंधन के लिए इस तरह का जुर्माना लगाया गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो एनजीटी ने ये साफ कर दिया है कि जिस भी राज्य की सरकार पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करेगी, पर्यावरण को लेकर सतर्क नहीं होगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो। हालांकि अब ये देखना होगा कि पंजाब की भगवंत मान सरकार इस पूरे मामले पर क्या सफाई पेश करती है, क्योंकि पंजाब के ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा कर्ज है और ऐसे में 2,000 करोड़ का भुगतान करना पंजाब के सीएम के लिए बड़ी चुनौती होगी। देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले पर क्या कुछ कदम उठाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप भी इस पर हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।